स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आई है। ये अपडेट आज शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 का जो है ये अपडेट दिया गया है। यहां पे आप आएंगे तो यहां पे जो है चार अपडेट जो है दिए गए हैं। पहला अपडेट दिया गया है आपका असिस्टेंट का जो है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्री का एग्ज़ाम्स को लेकर जो है यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर। और दूसरा अपडेट दिया गया है इंटरव्यू प्रोग्राम्स आपका लेक्चरर मैथमेटिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री और लेक्चरर फिजिक्स का इंटरव्यू प्रोग्राम को लेकर। तो वन बाय वन सारे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जो है इंटरव्यू प्रोग्राम देखते हैं लेक्चरर फिजिक्स का, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का देखेंगे, मैथ्स का देखेंगे, और उसके बाद जो असिस्टेंट का जो प्री का एग्ज़ाम्स होगा डाउनलोड करने का जो नोटिस है उसको लेकर जो हम लोग बातें करेंगे। तो वन बाय वन सारी डिटेल्स देखेंगे। बस आप चैनल के साथ जो है बने रहिए ताकि आपको जो है सारी अपडेट जो है मिल सके। तो यहाँ पे बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने को लेकर जो लेक्चरर का जो वैकेंसीज निकाली गई थी 2020 में, तो इसका जो है इंटरव्यू 8 मई और 9 मई को जो है जारी किया गया है। दो शिफ्ट में आपका जो है यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालकर जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी लोग सफल हुए थे, एग्ज़ाम्स पास किए थे, मैंने ऑलरेडी रिजल्ट को लेकर बात किया था कि कितने लोग कौन कौन से कैंडिडेट जो है पास आउट हुए हैं। अगला हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम देखेंगे आपका जो लेक्चरर केमिस्ट्री का है, इसका जो रिटन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट था इसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट जो है दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने जो है रिज़ल्ट देखा होगा। अब इसका जो इंटरव्यू है वो 10 और 11 मई को होने वाली है, दो शिफ्ट में होने वाला है। तो आप अपना रोल नंबर के हिसाब से चेक कर लेंगे कि आपका किस दिन जो है इंटरव्यू और किस शिफ्ट में आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है लिखी गई है। साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है जो भी आप लेकर जाएंगे उसका होना चाहिए, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड किस पे? फोटोकॉपी पे। ओरिजिनल पे कभी भी सेल्फ अटेस्टेड नहीं होता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है लेक्चरर मैथमेटिक्स का, तो इसका जो इंटरव्यू होगा 15, 16, 17 मई को जो है आपका इंटरव्यू होगा, दो शिफ्ट में। तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालकर जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो सेम टू सेम है जो प्रीवियस जो इंटरव्यू डेट्स मैंने बताया। और यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो लेटर्स हैं यानी जो एडमिट कार्ड एक तरीके से कह सकते हो इंटरव्यू के लिए, है ना, तो उसका जो लेटर है इंटरव्यू का जो लेटर है वो आपको बाय पोस्ट घर नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। कब डाउनलोड होगा? जितनी तारीख का आपका इंटरव्यू है उससे 3 से 4 दिन पहले जो है आपका डाउनलोड लिंक जो है एक्टिव किया जाता है। तो आप यहां पे जो है चेकआउट कर सकते हो, अपना देख सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग असिस्टेंट के लिए बात किया जाए तो उसका एडमिट कार्ड को लेकर, तो वो उसके लिए जो है यहाँ पर नोटिस जो है दिए गए हैं। डाउनलोडेड जो भी कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं उन लोगों को लेकर, तो यहाँ पे बोला गया है कि री डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप अगर डिटेल में यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है विज्ञापन नंबर 06/2022 के अंतर्गत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग में प्री का जो एग्ज़ाम्स होने वाली है 28 अप्रैल शुक्रवार को जो निर्धारित किया गया है उसके संबंध में उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र को वेबसाइट पर लॉगिन कर 21 अप्रैल 1 बजे से डाउनलोड कर ले, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि उक्त के संबंध में सूचित करना है कि जिन अभ्यर्थी द्वारा 21 अप्रैल 1 बजे प्रहण के पूर्व जो भी लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं अपना एडमिट कार्ड, उन लोगों को यहाँ पे जो है मौका दिया जा रहा है कि वंस अगेन अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर, है ना, ई एडमिट कार्ड पुनः डाउनलोड कर लें। दिनांक 1/4/2023 को 1 बजे अपराह्न के बाद डाउनलोड किए गए ई पेपर पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम 10 AM और इंट्री गेट क्लोजिंग 11 AM एवं निर्देश जो है
ही मान्य होंगे, यानी आज के 1 बजे के बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए हैं उसमें जो रिपोर्टिंग चीज़ें बताई गई है उसी को जो है वैलिड माना जाएगा। इससे पहले अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो वो उसका जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है और जो इंट्री गेट है या क्लोजिंग होगा वो सारी वैलिड नहीं होंगे। आपको पुनः फिर से जो है डाउनलोड करने को जो है लेकर यहाँ पे बात की गई है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी अपडेट दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।